छिंदवाड़ा शहर में चल रहे ऑटो में ओवरलोड के संबंध में आज यातायात विभाग और आरटीओ की सामूहिक कार्रवाई की गई, जिसमें छिंदवाड़ा शहर और देहात थाने के अंतर्गत लगभग 60 ऑटो जब्त किए गए, जिसमें ऑटो चालक का लाइसेंस और परमिट की जांच की गई और उन्हें समझाइश दी गई कि ऑटो में ओवरलोड सवारी नहीं होनी चाहिए। देखिए, शहर में संचालित ऑटो और आफे या अन्य सवारी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, इनके परमिट के संबंध में, इनके लीगलाइज होने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक से आरटीओ एवं यातायात पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के दौरान ऐसे वाहनों को जो कि बिना परमिट के संचालित किए जा रहे हैं, बिना रूट के संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे वाहनों को जब्त किया जा रहा है। और ऐसे इन वाहनों पर जब तक वो परमिट नहीं बना लेंगे तब तक इन ऐसे वाहनों को नहीं छोड़ा जाएगा या न्यायालय पेश किया जाएगा। कल दिनांक को लगभग 44 ऐसे ऑटो सीज किए गए थे आरटीओ और यातायात पुलिस के द्वारा, और आज अभी समय तक लगभग 12:30 बजे तक 35 ऑटो और सीज किए गए हैं। हमारा आपके माध्यम से सभी ऑटो संचालकों से निवेदन है कि कृपया करके वाहन का परमिट आवश्यक रूप से लें, वाहन के लिए जो सुरक्षा के नियम हैं उन प्रक्रियाओं का पालन करें, और जो निर्धारित क्षमता है 3:1 की अगर पासिंग है या 5:1 की पासिंग है तो उस निर्धारित क्षमता के आधार पर ही सवारियों को बैठा लें, ताकि सुरक्षित आवागमन ऑटो के द्वारा किया जा सके। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी हम लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे, और आने वाले दिनों में हम सड़कों को बदल बदल कर, अभी हम शहर मुख्यालय में कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद में फिर अनुविभाग स्तर पे और थाना स्तर पे जाके कार्रवाई करेंगे, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को कम कर सकें और यातायात के संचालन में ऑटो की जो भूमिका है, जो आवश्यक करने की जो भूमिका है, उसको हम कम कर सकें और शहर में एक सुरक्षित और व्यवस्थित सुगम ऑटो संचालन की प्रक्रिया को जारी रख सकें। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।